राजा बाग सवार बंजारी नगर के राजा बाग में स्थित हजरत बाबा सैयद साहब रहमतुल्ला अली के सालाना उर्स का शुभारंभ हो चुका है। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में हर साल की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। उर्स की शुरुआत 25 सितंबर को सुबह 9 बजे परचम कुशाई की रस्म से हुई, जिसे सैयद बाबा पंच कमेटी के अध्यक्ष जनाब सिराज शेख रमजान शेख के हाथों अदा की गई। इस खास मौके पर कांग्रेस नेता गिरीश पांडव, अजनी थाना की पुलिस निरीक्षक नितिन चंद्र राजकुमार, बीटीपी ग्रुप के चेयरमैन फैजान शेख और दरगाह पंच कमेटी के उपाध्यक्ष हाजी दाऊद शेख उपस्थित थे। इस दिन की दूसरी महत्वपूर्ण रस्म दोपहर 3 बजे शाही संतल और चादर शरीफ का आयोजन रहेगा। इस आयोजन के लिए दरगाह परिसर में विशेष तैयारियां की गई है, ताकि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ इस पवित्र आयोजन में शामिल हो सके। उर्स के दौरान हर शाम 7 बजे महफिल एक कव्वाली का आयोजन होगा, जिसमें मशहूर कव्वाल अपने सूफी गीतों और बाबा की शान में कसीदे पेश करेंगे। यह महफिल श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक आनंद और संतोष का माध्यम होती है। दरगाह में उपस्थित हर भक्त इस महफिल का बेसब्री से इंतजार करता है, जहां उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। 1 अक्टूबर को उर्स के आखिरी दिन सुबह 9 बजे कुल शरीफ की फातिहा अदा की जाएगी। इसके बाद परंपरागत रूप से लंगर का आयोजन होगा, जिसमें बाबा की परंपरा के अनुसार आपसी भाईचारे और एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। लंगर का यह आयोजन श्रद्धालुओं के बीच आपसी प्रेम और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। दरगाह पंच कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस पवित्र उर्स में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर बाबा के रूहानी आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करें। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे आयोजन के दौरान संयम और अनुशासन बनाए रखें, ताकि सभी को इस पवित्र आयोजन का लाभ मिल सके। दरगाह परिसर में साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हजरत बाबा सैयद साहब का उर्स सदियों से नागपुर और आसपास के इलाकों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को समर्पित है, बल्कि समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश भी देता है। आज जो हम परचम कुशाई का मीनिंग ये होता है कि झंडा वंदन आपके हिंदी में बोला जाता है, उर्दू वर्ड है परचम कुशाई। तो इसका ये मतलब है कि आज से उर्स का आगाज चालू हो गया। ये उर्स 1 तारीख तक के चलेगा, 1 तारीख को उसका कुल होके इसको समाप्त होगा। इसके बीच बीच में छोटे मोटे न्याज नजराने लोग अपने अपने जो भी भक्ति है भाव के बारे में वो अपने अपने इंतजाम करेंगे। आज शाम में नॉर्मल संदन निकलते हुए शहर का गश्त लगाते रात को 8:30 बजे हम पहुँचेंगे और चादर पेश की जाएंगी, तो उसमें सब शरीक हो। और लोगों से चाहता है कि बस्ती वालों से भी निवेदन है और बाजू बाजू वालों से भी निवेदन है कि शांति बनाए रखें और साफ सफाई का ध्यान दें। देश में वातावरण इंसानों का नहीं है, देश में वातावरण लोगों को हाईलाइट होने के लिए करते हैं कि मैं थोड़ा सा कुछ बोल दूँ तो मेरे को मीडिया हाईलाइट कर देंगी। मीडिया वाले लोग अगर गलत लोग को दिखाना ही बंद कर दे तो लोग हाईलाइट होना बंद हो जाएंगे। मेरा वादा है आपके साथ, लोग हाईलाइट होने के लिए करता है। मेरे को यहाँ पे हाईलाइट होने कोई एक व्यक्ति को कोई पहचान नहीं रहा, वो आएंगे कुछ भी हरकत देख रहेगा सारे कैमरामैन उधर घूमेंगे, तो इसमें मीडिया की गलती है, गलत लोग को हाईलाइट करती, उन्होंने सुधरना चाहिए। माध्यम से हजरत बाबा सैयद साहब के उर्स के निमित्त में सभी को बहुत हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और इस कमेटी के अध्यक्ष हमारे सिराज भाई और उनके तमाम जो मेम्बर है उनको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हर साल के हिसाब से ये प्रोग्राम वो करते हैं। आज परचम का कार्यक्रम था और आज से 5-6 दिन का प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये हजरत बाबा सैयद साहब का जो दरबार है ये सर्वधर्म सर्वभाव का प्रतीक है। यहाँ पर हर जात धर्म के लोग यहाँ आते हैं, फिर सैयद बाबा का दरबार हो या बाबा ताजुद्दीन का दरबार हो, यहाँ पर सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, अपना मत्था टेकाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे कि अभी आपने जैसा सिराज भाई को पूछा था कि हिंदुस्तान के अंदर में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में जो भी चल रहा है, मगर हमारे नागपुर के अंदर में ऐसे किसी भी प्रकार की कृति नहीं है। मैं अक्सर बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारा नागपुर ऐसा प्रतीक है हिंदुस्तान के अंदर में। वीर वो सैयद बाबा का दरबार हो या हजरत बाबा ताजुद्दीन का दरबार हो या तो मिठानीम हो, हर जगह के ऊपर में जो है सभी धर्म के लोग आते हैं और भाईचारा के साथ में रहते हैं। इसी प्रकार का वातावरण हमारे नागपुर में बना रहे, ऐसे मैं बाबा से दुआ करूँगा। धन्यवाद। सर्वात अगोदर मी सैयद बाबा यांच्या उर्स निमित्त सर्वांना मुस्लिम बांधव हिंदू बांधवांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो। माझा पहिलाच कार्यक्रम इथे आहे
तर ही जो बाबांची जो दर्गा आहे तिथे सर्व सर्व समाजाचे लोक एकत्र येतात, दुआ करतात आणि आपला परिवार आणि आपले सगळे बांधव सुखी राहील यासाठी प्रार्थना करतात। तर हा उरुस 1 तारखेपर्यंत चालणार आहे। तर ज्याप्रमाणे जे अध्यक्ष आहे त्यांची जी सोच आहे, म्हणजे जी या उरुस साजरा करण्याच्या मागचा जो हेतू आहे तो खूप चांगला आहे आणि फक्त एक धार्मिक उत्सव म्हणून साजरा केला जावा, त्याला कोणताही म्हणजे असं शान शौकत किंवा कोणतंही नसावं असा त्यांचा जो उद्देश आहे तो खूप चांगला आहे। त्यांनी ज्या 2-3 गोष्टी सांगितल्या, मेडिकल बाजूला आहे, त्याच्यानंतर आपण उरुस काढताना कोणताही रोड जाम न व्हावा, लोकांना त्रास न व्हावा, हे खूप चांगलं आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांची हार्दिक शुभेच्छा देतो त्यांना आणि हा उरुस असा शांततेत पार पडेल अशी सय्यद बाबा यांच्या हुजूरमध्ये प्रार्थना करतो। यही जय महाराष्ट्र। पहले तो सबको हज़रत बाबा सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो इस उर्स का शुरुआत हुआ है और जो इंतज़ाम किया गया है, तो सबको हम यही कहेंगे पूरे नागपुर की पब्लिक को कि आप आइए, उर्स का उर्स में शामिल हुई है और जो भी इंतज़ाम किए गए हैं कमेटी की तरफ से उसका लाभ उठाइए। उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।